नागपुरात पहिल्यांदा महाशिवपुराण कथेचा आयोजन करण्यात आले आहे. बहादुरा फाटा दिघोरी येथे महाशिवपुराण कथा सुरू आहे. या महाशिवपुराण येथे आंतरराष्ट्रीय कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा हे कथा सांगायला आले आहे. यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला आहे. चला बघूया ते काय बोलले. आमदार श्री मोहन मतेजी द्वारा, उनकी मित्र मंडली द्वारा नागपुर नगर में पहली बार शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है. श्री मोहन मते जी, आमदार जी, जो कि सनातन धर्म के प्रति हमेशा जागृत रहे हैं और आज भी जो शिव महापुराण की कथा का जो आयोजन रखा है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु रखा है. केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के उत्थान के लिए और कल्याण के लिए रखा गया है. आप सभी सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु, मीडिया से जुड़े हुए आप लोगों ने इस कथा को जनमानस तक, सबके हृदय तक पहुंचाई है. आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो इस पवित्र भूमि पर आप लोग रहकर इस संपूर्ण कथा को जनमानस तक भेजे हैं. श्री शिवाय नमस्तुते. आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप एक एक करके पोस्ट. शस्त्र हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं, चाहे आप किसी भी देवता का स्मरण करेंगे, प्रत्येक देवता के हाथ में अगर शास्त्र है तो शस्त्र भी है. मूलतः बेटियों के लिए, मूलतः स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए स्वयं का बल होना. हमने व्यक्ति को यह भी कहा है, देवी के माध्यम से इसकी प्रेरणा दी है कि स्वयं के लिए, आपको आत्मरक्षा के लिए समय आने पर शस्त्र उठाना जरूरी पड़ सकता है. क्योंकि आज जो छोटी छोटी बेटियों के साथ में या स्त्रियों के साथ में जो कृत्य हो रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है. श्री शिवाय नमस्ते. देखिए, भगवान राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं, सबने अपना अपना मत दिया, पर भगवान राम जी से जब कहा गया कि अगर शिव की आराधना कर अपन लंका पर चढ़ाई करते हैं तो समुद्र मार्ग जरूर देगा, अर्थात एक लोटा जल चढ़ाकर अपन वहाँ से निकलते हैं तो मार्ग जरूर मिलेगा. भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, पर एक भी रानी से संतान का सुख नहीं था. तब श्री गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि आप अगर भगवान कृष्ण का स्मरण, शिव जी का स्मरण करते हैं तो जरूर संतान की प्राप्ति होगी. तब 177,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, वो केवल शिव तत्व से. चाहे राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, स्वयं दत्त हों, आदिक हों, सारे देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसका सुख अवश्य मिलता है. ये हमारे शिव पुराण भी वर्णन करते हैं.